जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है। बड़ी चाह लगी आज जाते डूंगरपुर जिले के जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने हमारे आदरणीय भवन जी परमार, आदिवासी संस्थापक और आदिवासी हमारे भवन जी दादा, जो आदिवासी वर्तमान में बिरसा मुंडा के नाम से जाने जाते हैं, हमारे आदिवासी भाइयों के देवता के समान है, जिन्होंने हमारे आदिवासी समाज को आगे लाने के लिए और हमारे आदिवासी समाज में व्याप्त कुरीतियों को बंद करने के लिए आदिवासी एकता के लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ रहे हैं और गांव गांव जाकर के हमारे आदिवासियों को सुधार करने के लिए, कुरीतियों को बंद करने के लिए जो उन्होंने बिड़ा उठाया है, जो हमारे बिरसा मुंडा के माने जाने वाले हमारे आदरणीय भवन जी के खिलाफ में जिन लोगों ने झूठे मुकदमे और प्रशासन के दबाव में आकर के जो मुकदमे उन्होंने दायर किए हैं, वो भाई इज्जत हमारी आदि ऐसे एकता की तरफ से डूंगर हमारे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश सभी राज्यों से आए हुए आदिवासी भाइयों का एक ही आवाज है कि भवन जी के खिलाफ झूठे मुकदमे को वापस लाओ, नहीं तो हमारा ये आदिवासी आंदोलन पर बैठेगा। यही एक आवाज है। हम कलेक्टर साहब से कहना चाहते हैं कि हमारी आवाज राजस्थान तक पहुंचा है। हमारे आदिवासी लोग, हम बहुत मेहनत मजदूरी करने वाले हैं और हमारे साथ हमारे डूंगरपुर जिले के अंदर ट्राइबल एरिया के अंदर हमें PHP 2% लोग हम आदिवासी हैं। हमारे आदिवासियों को 45% आरक्षण दिया जा रहा है और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए वो भवन जी की आवाज है। जातीय विवाद के अंदर सुधारा किया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, हमारे जो खराब रीति रिवाज है उनको बंद किया जाए। क्या अभी अपने गलियागढ़ के अंदर जो दशा माता के जो उनके कार्यक्रम में अंदर में किसी की जाने चली गई, अरे अंधविश्वास छोड़ो, जब तक हमारा आदिवासी समाज अंधविश्वास नहीं छोड़ेगा, शिक्षा से नहीं जुड़ेगा, तब तक हमारा आदिवासी का छोड़ो की विकास नहीं होना है। तो भवन जी ने हमारी आवाज उठाई है तो हमारी एक ही आवाज है कि भवन दादा के खिलाफ जो मुकदमे लगे हैं तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, नहीं तो हम चार राज्यों के आदिवासी एक सिवान में एक पंगम के साथ में सरकार के सामने हम धरना देंगे। तो हमारा उन्होंने ऐसी कौन सी बात कह दी है जो कि पढ़ाई के अंदर बच्चों की नुकसान हो रहा है, जो कि दशा माता के समय गर्भारास के समय जो रात को गर्भारास करते हैं और ये इस तरह से अंधविश्वास में पढ़ करके उपवास करने से हमारे आदिवासी लड़कियों का शिक्षा में बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उनको दूर करने के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी, उसको उनके खिलाफ में कौन सा मुकदमा दर्ज करने की जरूरत थी, लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्होंने ऐसे लोगों को दबाव करने के लिए, दबाने के लिए, भवन दादा की आवाज बनाने के लिए झूठा मुकदमा दिया, दर्ज कराया है। हमारी एक ही आवाज है कि मुकदमा वापस किया जाए और भवन दादा को भाग किया जाए। यही मैं इस मौके पर मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया। जय आदिवासी, जय प्रदेश, धन्यवाद।